हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप इस धरती पर डायनासोर के युग से ही है। इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं, फिर भी सांपों की दुनिया आज भी हमें रहस्यमय नजर आती है। आज हम आपको जो फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सांप का इस धरती पर 130 मिलियन साल से है, यानी कि डायनासोर के समय से। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से केवल 20% प्रजातियां ही जहरीली होती है। दुनिया के दो छोटे देश आइसलैंड तथा अंटार्कटिका में स्नेक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन देशों में ठंड ज्यादा होती है। भारत में सांपों की करीब 300 किस्में पाई जाती है, जिनमें से 50 जहरीली होती है। दुनिया भर में हर साल सांपों द्वारा 100,000 लोग मारे जाते हैं। भारत में इसका आंकड़ा प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 लाख लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि सरकारी आंकड़ा मात्र 20,000 का है। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने के कारण होती है। दुनिया में सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटिस होता है, जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप कभी भी किसी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढकों, छिपकलियों, पक्षियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खाते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गाय को भी निगल जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार भी निगल सकते हैं। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेता है, जिससे भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। पानी वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं, जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। सांपों को पानी की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती, यह अपने शिकार से ही पानी प्राप्त करते हैं। कई सांप काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं, जैसे कि किंग कोबरा बिना खाए महीनों रह सकता है। सांप अपने नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी चमड़ी निकालते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉन्ट वाइपर के सर पे 2 सिंग होते हैं। इसे सिंग वाला वाइपर स्नेक भी कहते हैं। दुनिया भर के सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती है, बाकी की 30% प्रजातियां बच्चे पैदा करती है। सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सांप बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला भ्रम है। शेर जैसे भयंकर जानवर को तो हम मानव थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हैं, पर सांप को नहीं, क्योंकि सांप कुछ सीख ही नहीं सकते। सांप के दिमाग में अन्य जीव की तरह सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। हरा एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि सबसे वजनी सांप होता है। ये 550 पाउंड तक के हो सकते हैं। ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ पर हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप, वो भी जहरीले गोल्डन विट वाइपर। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप होते हैं और आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फुट तक होती है। इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी मात्र 7 मिलीलीटर मात्रा 20 आदमी या एक हाथी को मार सकती है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक माम्बा स्नेक साक्षात यमराज है, क्योंकि इसके द्वारा काटे गए लोगों में से 95% लोगों की मौत हो जाती है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो घबराएं नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग बनाकर दौड़ें। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछे कर सकता है, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा।
सांप कभी भी चिकने फर्श पर तेजी से नहीं दौड़ सकता क्योंकि सांप की स्किन चिकनी होने की वजह से सांप रिपट जाता है। सांप पीछा कर किसी सामान्य आदमी को नहीं काट सकता है। सांप की अधिकतम रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दुनिया भर में विषैले सांपों की लगभग 725 प्रजातियों में से 250 प्रजाति के सिर्फ एक बार काटने से एक मानव को मार सकता है। दुनिया के शीर्ष 5 सबसे विषैले सांपों में अंतर्देशीय टाइपान, पूर्वी ब्राउन सांप, तटीय टाइपान, बाघ सांप और काले बाघ सर्प हैं। रैटल स्नेक के झंडे केराटिन के छल्ले से बने होते हैं जो मानव बाल और नाखूनों की समान सामग्री होती है। एक बार जब यह अपनी त्वचा को छीलता है तो यह सांप एक नई अंगूठी जोड़ देगा। कुछ सांपों में 200 से अधिक दांत हैं। दांतों को चबाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वे सांप के गले से बचने से शिकार को रोकने के लिए पिछड़े स्थान पर हैं। गलती से खुद को काटने से कुछ विषैले सांप अपने आप को मार लेते हैं। कुछ एशियाई देशों में यह माना जाता है कि सांपों का खून पीने, विशेष रूप से कोबरा, यौन शोषण को बड़ा देगा। रक्त आमतौर पर एक जीवित सांप से सूखा जाता है और फिर शराब के साथ मिश्रित होता है। सबसे दुर्लभ और लुप्तप्राय सांप सेंट लूसिया रेसर है। इनमें से केवल 18 से 100 सांप ही बचे हैं। प्रजातियों के आधार पर सांप 4 से 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।